नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली मध्य प्रदेश के भर्ती विज्ञापन में आरक्षण नियमों का उल्लंघन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को कम आरक्षण दिए गए हैं, जिसको लेकर आज ओबीसी महासभा ने दिया ज्ञापन। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी किया गया है विज्ञापन, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण न देकर कम आरक्षण दिया गया है। विज्ञापन के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 3.1 के अनुसार भर्ती में भारत सरकार केंद्र सरकार के आरक्षण नियम लागू होंगे, अर्थात इन पदों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% पद आरक्षित होने चाहिए। साथ ही ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर 27% आरक्षण नहीं दिया गया तो हम होंगे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर। इकाई के द्वारा 4 बिंदुओं पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर। इसमें जो मुख्यतः इनकी मांग है कि जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया गया था, उसी 27% आरक्षण को पर ही भर्ती की जाए और जो हाल फिलहाल रिजल्ट आ रहे हैं, जो भर्तियां हो रही हैं, वो 27% आरक्षण पर ही होनी चाहिए। इसी के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम अग्रेसित कर दिया जाएगा। आपका नाम सतीश शुक्ला, तहसीलदार। देखिए, अभी केंद्र के संस्थानों में और प्रदेश के संस्थानों में 27% का पूर्ण आरक्षण लागू है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। अभी NCL में जो है 497 के करीब पद निकले हैं और वो केंद्र का उपक्रम है और वहाँ पर 27% का रिजर्वेशन होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी जो है हमारा रिजर्वेशन 12-14% कर दिया गया है, उसके विरोध में। और साथ ही अभी जो है पब्लिक सर्विस में कमीशन की जो परीक्षा हुई स्त्री रोग विशेषज्ञ को लेकर, उसमें जितने भी बैकवर्ड कैटेगरी के लोग थे उन सभी लोगों को जो है बहुत कम मार्क दिए गए हैं इंटरव्यू में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इंटरव्यू की प्रथा ये ख़त्म कर दी जाए और इंटरव्यू के नाम पर जो आधी से ज़्यादा आबादी वाला वर्ग है उसके साथ जो छल कपट हो रहा है उसको बंद किया जाए। आप किस पद पर हैं? मैं ओबीसी पुष्पराज सिंह मिथौरी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, ओबीसी महासभा। आप श्रीमान जी बताएं। हम ये चाहते हैं कि जब आरक्षण की समय जो सीमा थी कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो अभी जो EWS का आरक्षण है उसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लागू किया कि समय सीमा और जो उसका क्राइटेरिया है 50%, यह आवश्यक नहीं है। तो जब हुआ है आवश्यक नहीं है तो हमारे प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे मैं मांग करूंगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करूंगा कि मध्य प्रदेश में भी, चूंकि हमारी जनसंख्या 52% से अधिक है, तो हमको आरक्षण 27% दिया जाए। और जो ये इंटरव्यू के नाम पर खेल खेला जा रहा है कि एक ही कैटेगरी के लोगों को 50 से कम के पूर्णांक दिए जा रहे हैं और एक कैटेगरी के लोगों को 50 से ऊपर का पूर्णांक दिए जा रहे हैं, तो अवश्य ही जो हम लोगों के पास लिस्ट है तो अगर उसमें गड़बड़ी की गई है तो उसकी जांच कराकर दोषियों को दोषी करार कर इस जो इंटरव्यू है पुनः इंटरव्यू साक्षात्कार में करके जो लोग हैं प्रतियोगी हैं उनको मौका देने का काम करें। धन्यवाद सर जी। जिस प्रकार आप देखे ना कि 20 वर्ष से लगातार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है और जिस प्रकार ओबीसी के नाम पर शिवराज सिंह राज कर रहे हैं और ओबीसी को छलावा कर रहे हैं, ये युवा बेरोजगार परेशान है। 50% वालों को नौकरी दी जाती है और 85% वालों को बाहर कर दिया जाए, ये दोहरा मापदंड शिवराज सिंह का नहीं चलेगा। इस ओर हम लोग अब एक मुहिम में लगातार हम लोग चल रहे हैं और जिस प्रकार पूरे देश में 27% आरक्षण लागू है और उस तहत हमें भी 27% मध्य प्रदेश में दिया जाए और नहीं वरना शिवराज सिंह 2023 में आप तय कर लें और कमर बांध लें कि आपकी विदाई तय है। तो आप लोगों ने यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? कलेक्ट्रेट में किए हैं कि जिस प्रकार अभी जो भर्तियाँ हो रही हैं हमें 27% का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और एक कटआउट बनाया जा रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो मेरिट वाला लड़का है उसको ओबीसी की डिग्री में डाला जाता है और वह ओबीसी की डिग्री जो इसका 85% है उसको बाहर कर दिया जाता है और 50% को नौकरी में रखा जाता है। इसी विरोध में हम लोग विरोध करना चाहते हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा शिवराज सिंह न ले और वरना हम लोग जब सड़कों में उतरेंगे तो ईंट सीट बजा देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ क्या यहाँ पर उसमें आए हैं? आज तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, एक ज्ञापन एक चेतावनी पत्र है कि शिवराज सिंह जो भर्तियां हैं उसमें 27% लागू करें और वरना हम लोग आने वाले समय में ये सरकार को बदलने का काम करेंगे।